रविवार को पूरे जनपद सहित दाऊदपुर स्थित काली मंदिर पर रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवमी तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इसी के साथ 9 दिनों तक चलने वाले देवी दुर्गा की आराधना का पर्व समाप्त होता है। आपको बता दें, चैत्र नवमी शुक्ल तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं तथा रामनवमी के दिन भगवान राम माता सीता और राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके संबंध में दाऊदपुर काली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विजय शंकर पांडे ने बताया कि मंदिर पर पूरे 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ लगी रही और आज नवरात्रि का नवमी तिथि है, जिसमें भक्त हवन पूजा तथा हलवा पूरी माता को भोग लगाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में मनोकामना मांगने से पूर्ण होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दाऊदपुर काली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनय शंकर पांडे ने कहा, विजय शंकर पांडे। आज जो है चैत्र नवरात्र का जो है 9वां दिन है, तो आज जो है हवन पूर्ण आहुति यही सब हुआ है, पूजा पाठ हवन जप तप यही सब हुआ है। माता जी को सायंकाल जो है पूजन होगा, हवन होगा और भीड़ भाड़ रहा है। हाँ, लोग मनोकामना, हाँ अपना अपना मनोकामना जिसका जो है जिस भावना में अपना मांगता है वो माँ उसको पूरा करती है। अच्छा, रामनवमी प्रारंभ, हाँ आज भगवान रामनवमी प्रारंभ नहीं हुआ, आज रामनवमी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र रामनवमी के दिन हुआ था। मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत घामा पावन लोक काल विश्रामा। भगवान का जो है ऐसे पर्व में जन्म हुआ है। अयोध्या इत्यादि में बहुत धूमधाम से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया गया हो।